पूरा देश इस वक्त शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू डू देयर बिट, फिर चाहे वो डोनेशन हो या किसी और तरीके से, एंड बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं है सागा. यू नो मेनी बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दे आर कमिंग आउट एंड डोनेटिंग. फॉर एग्जांपल सलमान खान वो डोनेट कर रहे हैं, मिस्टर बच्चन वो डोनेट कर रहे हैं. इनफैक्ट बच्चन साहब के बारे में ये सुनने में आया दैट जितने भी जवान शहीद हुए हैं हर जवान के परिवार को 5 लाख रुपए डोनेट किए जाएंगे. राइट, एंड नाउ ही रिसेंटली ट्वीटेड सेइंग दैट द काउंट हैज गॉन अप टू 49 जवान्स जिन्होंने अपनी जान दे दी. तो 49 times 5 lakhs is 2.5 crores almost is what he's tweeted. Also, Akshay Kumar has stepped forward, and Union Minister for Home Affairs has also gone ahead on Twitter and thanked Salman Khan for contributing. Yeah. So it's nice to see everyone's doing their own bit. Of course, paiso se you cannot take away the pain from the families, but maybe. Can help to a little extent. And Bharat ki Veer Foundation hai, wahan jaakar aap bhi kar sakte hain if you want to. And uske alawa saga FWICE Federation of Western Indian Cine Employees, unhone 17 tarikh ko dopahar 2 baje se 4 baje tak pura Bollywood band tha, kahin koi shooting nahi ho rahi thi. To even show, on the even on the edit table, everything was shut. Amitabh Bachchan and Virendra Sehwag were shooting an ad. Yeah. Everything was shut down. Basically, black day. Yeah. Unhone 2 to 4 p.m. वो उन्होंने किया to show the solidarity. और आज से पहले सिर्फ इंडिया में पाकिस्तान के जो एक्टर्स थे उनके उनके काम करने पे बैन था, लेकिन अब FWIC एंड साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ये भी मांग की है दैट यू नो दूसरे आर्टिस्ट, फॉर एग्जांपल सिंगर्स जो अब भी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आप उन पे भी बैन लगाइए. व्हाई आर दे स्टिल वर्किंग, यू नो व्हाई द आर्टिस्ट फ्रॉम अ कंट्री जो रेगुलर हम पे अटैक्स कर रहे हैं वो यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं, तो उन पे बैन लगाने की बात आई है. राइट, और सुनने में आया है कि 2 songs जो है यूट्यूब से हटाए गए हैं रिसेंटली जो रिलीज किए गए थे. सो ऑल दीज चेंजेस आर टेकिंग, ऑफकोर्स द एंटायर नेशन इज अपसेट, इज एंग्री, एंड सो आर एवरीवन इन बॉलीवुड. And ये सारे changes हमें देखने को मिलेंगे in the next couple of days, weeks and months to come, because this anger will not go away very soon.